इस वीडियो में हम लोग राजस्थान सेट के लाइफ साइंस के 2013 सेट के पेपर को डिस्कस करेंगे इसके पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं तो ये वीडियो नंबर तीन है तो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है अ कोबलेंट बॉन्ड डेवलप बैन अ कोबलेंट बॉन्ड डब्ल बैन तो इसका आंसर अच्छा है इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन टू एटम कोबलेंट बॉन्ड डेवलप बैन इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन टू एटम्स नेक्स्ट क्वेश्चन था द सिक्स मोस्ट कॉमन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर सिक्स मोस्ट कॉमन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर तो इसका आंसर था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉसफोरस एंड सल्फ़र ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉसफोरस एंड सल्फर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें शुगर आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप शुगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसमें होगा कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल तो कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल क्या है कोलेस्ट्रॉल इज तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टोरॉइड है क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें द इनर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल द इनर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू मोस्टली टू द डाइवर्सिटी ऑफ इनर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू मोस्टली टू द डाइवर्सिटी ऑफ तो इसका आंसर है अमीनो एसिड सीक्वेंस इन दी प्रोटीन मोलिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट आर मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ तो ये इसका आंसर होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का कॉमन फीचर है इसमें एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट का पाया जाना क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की बात करें मेम्ब्रेन इज हेल्ड टुगेदर प्राइमरी बाय मेम्ब्रेन इज हेल्ड टुगेदर प्राइमरी बाय मेम्ब्रेन इज हेल्ड टुगेदर प्राइमरी बाय तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट कैरी मटेरियल एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर द स्पेशल फीचर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी मटेरियल एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर तो इसका आंसर है प्रोटीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेटिव ऑर्गनल एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्रेन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेटिव ऑर्गनल एंड इज एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्रेन सिस्टम तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है नॉट तो पर ऑक्सीजोम इसका भाग नहीं है बाकी लाइसोजोम क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्डिया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्ट्रक्चर विथ फंक्शन तो इसका आंसर है फर्स्ट तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें गलत मैचड है बाकी जो माइटोकॉन्डिया ये टेपिक प्रोडक्शन करता है इंडोप्लास्टिक ये प्रोटीन का सिंथेस करता है क्लोरोप्लास्ट ये प्रोटीन का करता है तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है बाकी तीनों इसमें सही है क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करें द टिप्टोफेन द ट्रिप्टोफेन बायोसिंथेटिक ओपेरॉन इज एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल है नेगेटिवली कंट्रोल रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें ट्रांसपोशन कैन इंसर्ट दैम सेल्फ इन टू कैन इंसर्ट्स दैम सेल्फ इन टू इसका आंसर है वर्चुअली इन एनी पार्ट ऑफ एनी डी एन ए मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करें इन डी एन ए रेप्लिकेशन द आर ए प्राइमर ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन द लैगिंग स्ट्रेंड आर रिप्लेस्ड बाय द इंजाइम तो इसका आंसर है डी एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर है होमोलोगस रीजन तो होमोलोगस रीजन ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन रेस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लियसाइट इंसर्सन सिक्वेंसेंिकॉम्बिनेशन और लॉन्ग टाइम रिपीट ये इसके एग्जाम्पल है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात करें इन अडियन ए मॉलिक्यूल फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर्स तो इसका आंसर है पायरिमडीन डाइमर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करें ईफ़ल इज ट्रीटेड विथ अ केमिकल दैट ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुलड मोस्ट लाइकली बी एफेक्टेड फर्स्ट तो इसका आंसर है एम आर ए सिंथेसिस एम आर ए सिंथेसिस सबसे पहले एफेक्ट होगा अगर न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस ब्लॉक्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करें इनमें से कौन सा सही है तो क्वेश्चन uh, है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी प्रोटीन दैट आर सिंथिसाइज ओनली इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिग्नल आर प्रोड्यूस कंटिन्यूसवली अटैच टू इनहसर तो इसका आंसर है तीनों तो इसमें तीनों सही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है इसमें क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करें द सिक्वेंस डेट अपियर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आर एन ए आर द सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आर एन ए आर एग्जॉन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की बात करें मैच द टाइप ऑफ वायरस विथ इट्स जेनेटिक मटेरियल तो इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सेकंड तो एडिनो वायरस क्या है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है पैपो वायरस पारो वायरस क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है रियो वायरस की बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और पारामिक्सो वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करें हाउ मेनी सब यूनिट विथ हाउ मेनी सब यूनिट विथ सब यूनिट फ्रॉम जी प्रोटीन तो जी प्रोटीन कितने मिलकर बनाते हैं तो इसका आंसर है तीन अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की बात करें व्हाट इज ट्रू अबाउट कैडेरिन तो कैडेरिन से क्या संबंधित कौन सा सही है कैडेरिन से तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की बात करें तो इसका आंसर फर्स्ट है दे रिकॉर्गनाइज एंड बाइंड टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की बात करें तो एंटीबॉडी है और उसके हैवी चेन के टाइप की बात की गई है तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड की बात करें मैच द टाइप ऑफ वैक्सीन विथ द डिजीज अगेंस्ट विथ दीस आर यूज तो इसका आंसर है इसका आंसर है फोर्थ तो डेड ऑर्गेनिज्म ऐसा वैक्सीन तो ये हेपेटाइटिस बी है, है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा वैक्सीन तो ये है टेटनिस डिफ्टीरिया टॉक्सी टॉक्सिन ऐसा वैक्सीन की बात करें तो ये है मिसल्स मम्प एंड टाइफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो वायरस है पो, पोलियो कॉलरा और रेबीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटो ऑनकोजीन टू ऑनकोजीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटो ऑनकोजीन टू ऑनकोजीन इज अ रिजल्ट ऑफ तो इसका आंसर है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन और एम्पलीफिकेशन टू प्रोड्यूस इंक्रीज ऑनको प्रोटीन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव की बात करें विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट इन एनिमल सेल तो इसका आंसर है सी नेव नीब से डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन स्पेसिफिकेशन फिर डिफ्रेंशिएशन